एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा एम होता है कि वह अपने आंसर शीट में फुल मार्क्स किस तरीके से स्कोर करे, और जब यह बातें उसे एक बोर्ड एग्जाम का टीचर बताता है, बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जब उन बातों को उसे बताता है, तो एक स्टूडेंट उसकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है, उन टिप्स को अप्लाई करता है जिससे कि वह फुल मार्क्स को स्कोर करे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी में कौन से पॉइंट्स को चेक करते हैं जिससे कि वो आपको फुल मार्क्स देते हैं, और जब आपके स्टेट बोर्ड के रिजल्ट या फिर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स अपने अपने सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। आखिर वो कौन से एलिमेंट वो एग्जामिनर को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एग्जामिनर उन्हें फुल मार्क्स देता है। सबसे पहली बात जो मिसकंसेप्शन बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लेकर होता है कि जितना ज्यादा आप कॉपी भरेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, तो यह बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कॉपी भरने पर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने वाला है। आप जितना लिखें सही लिखने का प्रयास करें, कॉपी भरने का प्रयास ना करें। अगर आप अपनी कॉपी को भर रहे हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले, उल्टा आपके मार्क्स ज्यादा कटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में, वह यह है सॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सीक्वेंसली। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने पेपर में अपने सीक्वेंस को मेंटेन करें। अगर आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं तो आप कोशिश करें कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ऑर्डर में आप सॉल्व करें। ऐसा ना करें कि आप पहली बार आपने 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में सॉल्व किए, 10वीं के बाद आप 25 पर चले गए, 25 के बाद आप 12 पर आ गए। ये जो आप काम करते हैं, जो अपने सीक्वेंस को आप गड़बड़ करते हैं, इससे एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी होती है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उसको होता है, क्योंकि वो अपने माइंड को मेकअप कर चुका होता है कि अब आपने एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, अब आपने दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन। आपको अपने एग्जाम में और किसी भी पेन का, किसी भी स्केच का, किसी भी कलर के पेन का यूज आपको नहीं करना। सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल अपने पूरे कॉपी के आंसर्स को लिखने के दौरान आपको करना है। आप जो हेडिंग्स होंगी, जो टॉपिक्स होंगे, उनको आप ब्लैक पेन, और बाकी जो आपका मेन कंटेंट होगा जो आप आंसर में लिखेंगे उसे आप ब्लू पेन, इसके अलावा कोई भी अदर पेन आपको यूज नहीं करनी। और आपको खास तौर से रेड पेन का इस्तेमाल एग्जाम में एकदम नहीं करना, क्योंकि ये एग्जामिनर सीधे सीधी बात बोर्ड में लिखी होती है, ये चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड होती हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। अगली बात, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात रहती है कि हैंड राइटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग एक अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिलवाती। हैंड राइटिंग सिर्फ आपकी इतनी हेल्प करती है कि आप जो लिखते हैं एग्जामिनर को बहुत क्लीन तरीके से, बहुत नीट तरीके से एग्जामिनर उसे पढ़ पाता है। और अगर कहीं थोड़ा मोड़ा आपने थोड़ा बहुत आंसर में गलती की है, थोड़ा बहुत आंसर आपका छूटा है, तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको हैंड राइटिंग के लिए अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स कभी भी नहीं दिए जाते। यह एक एग्जामिनर आपको इस बात का ध्यान रखता है कि आपने अपनी कॉपी के अंदर जो लिखा है उसी पर आपका इवैल्यूएशन हो, ना कि आपकी हैंडराइटिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। आपके पेपर में जब आपकी कॉपी आपको मिलती है तो आपके कॉपी के पास जो आपके डिटेल्स आपको भरने के लिए जो फ्रंट पेज होता है उसके बैक साइड से आपको स्टार्ट नहीं करना। आपको उस पेज को छोड़ना है, अगले पेज से जो अगला पेज कॉपी का होगा वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि आपके फ्रंट पेज को कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है, वही आपके बोर्ड में भेजी जाती है और उसी पे आपके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके कॉपी की कोडिंग की जाती है। अगर आप उसमें से उस पेज पर लिखते हैं तो आपके वहां पर जो क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे वो हो सके तो इवैल्यूएट ना हो पाए, तो इस चीज से आपको बचना है। अगली बात ध्यान रखिए, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। आपके पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये इसलिए लिखा होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जामिनर को एक मार्किंग स्कीम मिलती है और उसमें हर स्टेप पर आपको नंबर देखने को मिलता है। इसलिए आपको जिस क्वेश्चन में जितना भी उत्तर आए, जितना भी आंसर आपको आता है, आपको उस क्वेश्चन के
स्टेप को लिखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स वहां नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको हर स्टेप पर नंबर वहां पर देखने को मिलेगा। अगली बात, फॉलो वर्ड लिमिट इन योर आंसर। एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करते हैं, वह कभी भी आपकी लाइन नहीं गिनते, वह एक अंदाजे के तहत, वह एक अनुभव के अपने यूज करते हुए यह देखते हैं कि आपने वर्ड लिमिट को फॉलो किया या नहीं। तो आंसर्स को आप पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें, वर्ड लिमिट को फॉलो करें। ये बातें अगर आपने एग्जाम में ध्यान देते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स देगा और यहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस जीरो होने वाले हैं। अगली बात, आपको लास्ट और अंतिम बात ध्यान रखनी है, वह यह है कि एक एग्जामिनर को बहुत ज्यादा कॉपियां एक दिन में नहीं दी जाती। तो आप अपनी कॉपी में जितना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, कोई भी माल प्रैक्टिस यानी कि आपको पैसे, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लैंक चेक, ये सभी चीजें लिखने से आपको करने से एकदम बचना है। ये चीजें अगर आप करते हैं तो एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है और आपके खिलाफ यहाँ पर लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने सिलेबस को पूरा करने पर भरोसा रखें, अपने टारगेट को ध्यान रखें। और यही बातें आपको जो मैंने बताई, ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में, अपने आंसर शीट में फुल मार्क्स अचीव करें। मैं उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने हर उस वॉरियर दोस्त में शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम को देने वाला है। मिलेंगे अपने अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।